नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ निशा। आपको बता दें कि रूस के साथ जंग में घिरे यूक्रेन के लिए बड़ी मुसीबत की खबर है। आपको बता दें, यूक्रेन सरकार के 3 मंत्रियों की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई है। इस हादसे ने सैकड़ों सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ है। फिलहाल ये तो तय नहीं हो पाया है कि इस हादसे में रूस का हाथ है या नहीं, लेकिन इस हादसे ने सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं कि ये सिर्फ एक हादसा है या फिर साजिश। यूक्रेन की राजधानी कीव में एक बड़ा हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है। बुधवार को यूक्रेन की राजधानी कीव के बाहर बोबी टाउन में ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस हादसे में यूक्रेन के गृह मंत्री डेनिस मोनास्ट्रिस्की और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित 16 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक ये हेलीकॉप्टर बिल्डिंग से टकराकर क्रैश हो गया। इस हादसे में 22 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 10 बच्चे शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि मृतकों में 2 बच्चे शामिल हैं। इस हादसे में यूक्रेन की सरकार के 3 मंत्रियों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। हालांकि इस दुर्घटना पर रूस की ओर से कोई टिप्पणी नहीं की गई है। राष्ट्रीय पुलिस प्रमुख इहोर क्लेमेंको ने जानकारी दी कि इस हादसे में गृह मंत्री डेनिस मोनास्ट्रिस्की समेत कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौत हो गई है। गृह मंत्री डेनिस मोनास्ट्रिस्की के अलावा उनके पहले डिप्टी येवगेनी और स्टेट सेक्रेटरी यूरी लुकोविच की मौत हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के उप प्रमुख किल्लो टिमोशेंको ने टेलीग्राम पर लिखा कि हम हताहतों और परिस्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। हम आपको बता रहे कि सोशल मीडिया पर हेलीकॉप्टर हादसे की एक वीडियो भी वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि लोग चीख पुकार मचा रहे हैं।